राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। लुलिया मालेगांव लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अब ये लड़ाई लगभग खत्म होने को है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष भामरे के लिए गृह मंत्री अमित शाह तक ने प्रचार किया है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मालेगांव शहर के ईदगाह ग्राउंड पर एक चुनावी रैली से संबोधन करने वाले हैं। इसी के साथ कांग्रेस उम्मीदवार शोभादेवी बच्छाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रचार किया है और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता बालासाहेब थोराड मालेगांव शहर में रुके हुए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये सीट निकालने के लिए किस कदर मेहनत कर रही है। इस तालुक से मालेगांव शहर की नामवर शख्सियत व बारा बलुतेदार मित्र मंडल के संस्थापक बंडू काका बच्छाव से बालासाहेब थोराड और आस पास के कई देहातों के कांग्रेस लीडरान ने मुलाकात की। कांग्रेस लीडरान ने बंडू काका से कांग्रेस पार्टी और दुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार शोभादेवी बच्छाव को सपोर्ट करने की अपील की। इस ताल्लुक से बंडू काका बच्छाव ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो सिर्फ उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो किसानों के फायदे की बात करती है, देश के विकास की बात करती है और युवाओं के रोजगार का इंतजाम करती है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया है। मंडू काका ने मालेगांव शहर की आवाम से भी अपील किया है कि वो सिर्फ उसी पार्टी उम्मीदवार का साथ दे जो किसानों व नौजवानों के फायदे के लिए काम करती है और देश को विकास की तरफ ले जाने की बात करती है। हालांकि सियासी माहिरीन का ये भी कहना है कि हो सकता है आने वाले असेंबली चुनाव में मंडू काका बच्छाव मालेगांव तालुका से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल महाराष्ट्र कांग्रेस की पूरी टीम दुलिया मालेगांव हल्के में काफी मेहनत कर रही है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में शोभादेवी बच्छाव का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया जा रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुमकिन है कि कांग्रेस की इस मेहनत के पीछे की असल वजह उसे अपने उम्मीदवार उसे अपनी उम्मीदवार की जीत पर पक्का यकीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, अब तक न्यूज इंडिया।